अजीज तलबा और तालिबात, हम लोग बीए सेकंड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सेकंड ईयर कैसल का मुताला कर रहे थे। हमने तमाम गजलों का मुताला किया। आइए आज हम सवालिया पर्चे की नौयत पर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि अगले महीने की 21 तारीख से आपके इम्तिहान भी पेश नजर है। इसलिए पहले सवालिया पर्चा किस किस नौयत का होगा, किस तरीके के सवाल आएंगे, इस पर गुफ्तगू कर लें। फिर हम शामिल निसाब गजलों का तो हमने मुकम्मल मुताला किया, उसकी नजलों पर आते हैं, फिर उसकी ग्रामर को मुकम्मल करते हैं। अजीज तलबा तालिबात, सवालिया पर्चा मुकम्मल 40 मार्क्स के लिए है, और ये चार सवाल आप पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर एक अलीफ और बा पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर एक अलीफ में खाली जगह दी जाएगी, खाली जगह पुर कीजिए, या सही मुतबादिल का इंतखाब करते हुए खाली जगह पुर कीजिए। सवाल नंबर एक में कोई पांच, इसको पांच निशानात हैं, पांच मार्क है। सवाल नंबर एक के बे में एक जुमले में जवाब दीजिए, एक जुमले में जवाब दीजिए, कोई पांच, इसको भी पांच नंबर आते हैं। सवाल नंबर दो गजल के अशआर की तफहीम, तनकीद, तहसीन मतलूब है। शामिल निसाब गजलों में से पांच अशआर दर्ज होंगे, शायर का नाम को दो नाम मार्क होंगे, तशरीफ को तीन मार्क, ऐसे पांच लिखना होंगे, यानी कोई दो करना है। शामिल निसाब गजल के अशआर की तशरीफ कोई दो, ये 10 मार्क के लिए है। सवाल नंबर तीन शामिल निसाब नज़मों का खुलासा, शामिल निसाब नज़्म का खुलासा, तनकीद, तहसीन, खुलासा मतलूब है। नज़मों के सिर्फ उनवान दर्ज होंगे, दो में से एक, कोई एक, इसको 10 मार्क है। सवाल नंबर चार नज़म शामिल निसाब नज़म के अशआर की तशरीह, शामिल निजाम निसाब नज़म के अशआर की तशरीह, ये कोई दो, 10 मार्क, 5, 5, 10, 20, 30, 40, इस तरीके से मुकम्मल 40 निशानात पर आपका पर्चा मुश्तमिल होगा। अजीज तलबा तालिबात, जो सवालिया पर्चे का हमारे शामिल निसाब मवाद है वो गजल, नज़म और ग्रामर पर मुश्तमिल है। सवालिया पर्चे के अंदर गजल और नज़म पर सवालात मौजूद होंगे, और जो ग्रामर पर मुश्तमिल है वो आपके ट्यूटोरियल की बसूरत दिया जाएगा, जो कि 10 मार्क के लिए है। इस तरीके से 40
का थ्योरेटिकल प्लस 10, टोटल मार्क हुए 50। इस तरीके से पूरे 50 मार्क का आपका पर्चा रहेगा। आइए इस पर गुफ्तगू करते हैं। सवाल नंबर 1 जो कि लाजमी है, खाली जगह। सवाल नंबर 1 के 2 हिस्से हैं, एक अलीफ और एक बे। अलीफ हिस्से को 5 मार्क हैं, बे हिस्से को 5 मार्क हैं। यानी सवाल नंबर 1 मुकम्मल तौर पर 10 मार्क के लिए है। पहला अलीफ में खाली जगह पूर कीजिए कोई 5, 6 या 7 खाली जगह या 5 खाली जगह दी जाएगी। सही मुतबादल का इंतखाब करते हुए 5 खाली जगह दी जाएगी, उसमें से सही मुतबादल का इंतखाब करते हुए 3 मुतबादल दिए जाएंगे। उसका जैसे हो सकता है खाली जगह में सवाल पूछा जाए कि गालिब का पूरा नाम क्या डैश था, तो गालिब का पूरा नाम खाली जगह में असदुल्लाह मोहम्मद असद और दीगर नाम दिए जाते हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे, मुतबादल दिए जाएंगे। तो मुतबादल को इंतखाब करना यहाँ पर होगा। 5 इसके 5 खाली जगह दी जाएगी, 5 का मुतबादल लिखना आपके यहाँ जरूरी लाजमी है। बे में एक जुमले में जवाब दीजिए। इसमें 5 सवाल होंगे, इन 5 सवाल का जवाब देना लाजमी होगा, जिसके 5 निशानात होंगे। एक जुमले का सवाल, एक जुमले में जवाब देना। सवाल नंबर 2 के अंदर शामिल निसाब गजल के अशार की तशरीह कोई 2। हमने जो गजलों का मुताला किया है, हमने वली औरंगाबादी से लेकर फिराक गोरखपुरी तक, यानी क्लासिकी गजल से लेकर जदीद गजल तक, तरक्की पसंद तहरीक तक की गजलों का जो मुताला किया है, इन गजलों में से किसी यहाँ पर 5 कोई 5 गजलों में से अशार दिए जाएंगे, 5 अशार दिए जाएंगे, उसमें से 2 की तशरीह करना है, तरकीब करना है, तहसीन करना है, जिसके अंदर शायर के नाम और उस शेर का खुलासा, शायर के नाम को 2 मार्क और शेर के खुलासे को इस तरीके से 3 मार्क, इस तरीके से 5 मार्क के लिए एक तशरीह होगी। 5 दिए जाएंगे, 5 में से आपको 2 का करना है और इसे 2 का करना है, एक को 5 निशाना है, इस तरीके से इसके लिए ये 5 मार्क, ये 5 मार्क, इसके लिए 10 मार्क, 2 करेंगे ये 10 मार्क आ जाएंगे आपको यहाँ पर। तो ये हुआ 20 मार्क का पर्चा। तीसरा हिस्सा जो शामिल निसाब मुताला करना है वो है नज़म का, और नज़म अभी हमारी पढ़ना मुताला बाकी रहा, हम इंशाल्लाह अभी उस नज़म को देखेंगे। शामिल निसाब जो नज़में दी गई हैं, जिन शोरा की नज़में निसाब में शामिल हैं, इन शोरा की नज़मों का मुताला हमको करना है। और यहाँ सवालिया पर्चे में वहाँ पर नज़म का नाम दिया जाएगा, आपको उस नज़म के शायर का नाम बताते हुए पूरी नज़म का खुलासा पेश करना है, इसलिए शामिल निसाब नज़म का खुलासा तो तहसीन यहाँ पर पेश की जाएगी। सवाल नंबर 4 शामिल, इसमें कोई 1-2 नज़म दिए जाएंगे, कोई 2 नज़म दिए जाएंगे, इसमें से किसी एक का खुलासा पेश करना है और उसको 10 मार्क है। इस तरीके से ये 30 मार्क हुए। और सवाल नंबर 4 के अंदर शामिल निसाब नज़मों के अशार दिए जाएंगे, उन अशार की तशरीह आपको तहरीर करना है। जैसे गजलों की तशरीह आपको तहरीर करना है, वैसे नज़मों की तशरीह करना है। जैसे गजल के हिस्से में आपको पहले अगर गजल का शेर दिया जाता है तो आपको शायर का नाम की वजाहत करना जरूरी है, जिसको 2 मार्क जाएंगे, फिर उसके शेर का खुलासा तहरीर करना जरूरी है, तशरीह करना जरूरी है, जिसको 3 मार्क, इस तरीके से 5 मार्क होंगे। यहाँ पर भी इसी तरीके से 5 नज़म के शेर दिए जाएंगे, उसके अंदर से आपको 2 का खुलासा या तशरीह करना है, जिसमें 2 मार्क शायर के नाम की बताने के लिए होंगे, तहरीर करने के लिए होंगे, और 3 मार्क उस शेर की वजाहत, उस शेर की तशरीह, उस शेर की तरकीब, उस शेर की तहसीन और तफहीम के ऊपर होंगे। इस तरीके से 40 मार्क का ये तहरीरी पर्चा आपको देना है, पूरे 40 मार्क ये है, प्लस 10 मार्क आपके क्या कहें 40 और 10 50, ये ट्यूटोरियल के हैं, जो कि आपको बाज़ाब्ता तौर पर ट्यूटोरियल बुक में तहरीर कर कर लाना है, जिसमें मुकम्मल ग्रामर है, तजवी है, इस्तियारा है, मुस्तार है, मुशब्बा है, मुशब्बा है, मुस्तार है, मुबालगा है, इस तरीके से कुछ सनतें हैं जिनका हमको यहाँ खुलासा तहरीर करना है। अजीज़ तलबा तालिबात,
इस सवालिया पर्चे के अंदर मुकम्मल तौर पर आपका पूरे निसाब का इहाता किया गया है। तो जहन नशीन ये रखें कि 50 मार्क के पर्चे में से 40 मार्क के पर्चे में से 17 मार्क का आपका हालत में 17 मार्क के हासिल करना जरूरी है, तब आप कामयाब हो पाएंगे। और ये ट्यूटोरियल 10 मार्क का आपको देना लाजमी है। अगर आप ट्यूटोरियल ना दें और इधर 40 में से 40 निशानात भी हासिल करें, ये 40 में से 40 निशानात आउट ऑफ भी लें, तो आप कामयाब नहीं हो सकते, आप पास नहीं हो सकते। इसलिए 40 में से 17 मार्क और इधर ये 10 मार्क का ट्यूटोरियल देना आपके लिए लाजमी है। इसलिए अजीज तलबा तालिबात, आप ये जहन नशीन रखें, आप ये जहन नशीन रखें कि ये जो पर्चा है ये बहुत मियारी सवालिया पर्चा है जिसके अंदर आपका पूरा मुकम्मल निसाब का इहाता किया गया है। इस पर्चे के अंदर पूरा मुकम्मल निसाब आ जाएगा, इसलिए आपको निसाब का मुताला करना और निसाब की तफहीम तक पहुंचना और निसाब के अगराज व मसाल मकासिद तक पहुंचना और जो मवाद यहाँ से फराहम किया गया उसका मुताला करना बेइंतहा लाजमी और ज़रूरी है। जब तक आप निसाब का मुताला न करें, गज़लों की तशरीह के लिए जो गज़लों की तशरीह और खुलासा आपके सामने बयान किया गया उसके एक एक शेर तक, उनके अल्फाज के माना तक आप नहीं पहुंचेंगे, तो सवालिया पर्चे में आप उसकी तशरीह पेश नहीं कर सकेंगे, आप शेर का मकसद, शायर का मकसद और गर्द गाइये तक पहुँच ही नहीं सकेंगे। इसलिए जो यहाँ पर मुताला हुआ या दिगर वसाइल से जो कुछ आप मवाद हासिल कर सकते हैं, फराहम कर सकते हैं, मवाद को फराहम कीजिए। निसाब मुकम्मल तौर पर आपके पास मौजूद है, उसकी उस नहज पर तैयारी कीजिए। देखिए अब जो पर्चा है खाली जगह है, खाली जगह पूर कीजिए, उसका तो कोई मसला नहीं है, खाली जगह दी जाएगी, जुमला लिखा जाएगा, आपको जुमले में खाली जगह पूर करना है, एक जुमले में जवाब को आपको मुकम्मल तौर पर एक जुमले में जवाब तहरीर करना है। रहा मसले सवाल नंबर 2, शामिल निसाब गजल के अशार की तशरी, तो आपको ये देखना है कि शायर का नाम बताना ज़रूरी है। जैसे हम लिखते हैं कि मंदरज ज़ैल, मंदरज ज़ैल शेर पर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल से माखूज है, ये एक जुमला अगर आप तहरीर कर दें तो आपको 2 निशानात मिल जाते हैं। फिर शायर इस गज़ल के शेर में कहता है कि, फिर उस शेर की तशरीह, उस शेर का खुलासा आपको तहरीर करना पड़ेगा, तो आपको इसके 5 मार्क यानी मुकम्मल एक सफ़ा या इसका कमोबेश व पौन सफ़ा आपको तहरीर करना पड़ेगा, तो आपके इसके 5 नंबर हासिल होंगे। और जो सवाल नंबर 3 है, शामिल निसाब नज़म का खुलासा, ये अहम है, इसको पूरे 10 मार्क हैं, तो इसके लिए आपको कमोबेश एक सफ़े से ज़्यादा, 1.5 सफ़ा 2 सफ़े तक किसी एक नज़म का खुलासा, जो शामिल निसाब नज़म है उसमें जो 2 नज़में दी जाएगी, उन 2 नज़मों के उनवानात होंगे, उन दोनों नज़मों के उनवानात में से किसी एक नज़म के ऊपर आपको तफसीली गुफ्तगी, उसका खुलासा, उसकी तनकीद, उसकी तहसीन, उसकी तफहीम आपको तहरीर करना होगी 2 नज़मों में से एक। तो ये भी 1 सफ़ा 1.5 सफ़ा या उससे ज़्यादा, जितना आप वक्त की नौयत को देखते हो, कम से कम 1.5 सफ़ा तहरीर करना आपको 10 मार्क के लिए ज़रूरी है। और फिर इसी तरीके से सवाल नंबर 4 में शामिल निसाब नज़म के अशार की तशरीह दी जाएगी, आपको उन अशार की तशरीह का तहरीर करना लाजमी है, आपको अशार की तशरीह दी जाएगी, अशार की तशरीह जिस तरीके से गज़ल की अशार की तशरीह की जाएगी, शायर का नाम बताना लाजमी होगा कि मज़कूरा बाला शेर मिर्ज़ा ये नज़ीर अकबर आबादी की गज़ल शेर नज़म से माखूज़ है, मज़कूरा वाला शेर नज़ीर अकबर आबादी की नज़म बरसात से माखूज़ है, इसमें शायर कहता है कि, जो कुछ शेर का मफहूम है, तकीम है, वो आपको जो खुलासा है, तशरीह आपको तहरीर करना पड़ेगी। इस तरीके से ये चारों सवालात के अंदर से आपको इस तरीके से अपने ख्यालात का इजहार करना पड़ेगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर पूरे 40 मार्क का पर्चा हासिल कर सकें। और ये 40 मार्क के पर्चे के लिए आपको वक्त दिया जाएगा 1.5 घंटा, इस 40 मार्क के पर्चे के लिए आपको वक्त दिया जाएगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटा आपको वक्त दिया जाएगा। इसलिए आपका मुकम्मल पर्चे से वाकफियत, सवालिया पर्चे से वाकफियत और मुकम्मल तौर पर सवालिया पर्चे पे आपकी दस्तरस होना चाहिए ताकि वक्त के अंदर मुनासिब तौर पर आप सही नहज पर सवालिया पर्चे को समझ सकें, सवालिया पर्चे को लिख सकें और सवालिया पर्चे की तफहीम कर सकें।